तो आप देख सकते हो ये है 18 मीटर का मजार जो मैंने पहली बार देखा, हजरत दानी अलैहि सलाम उनका। तो देखो ये सब ये उज्बेकिस्तान से ताशकंद से, जब इन्हें पता चला ना आई एम मुस्लिम तो ये बहुत खुश हुए, तो बोले यू आर मुस्लिम, मतलब यस आई एम मुस्लिम। हेलो 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 हाय भाई, इससे ज्यादा शांत लोकेशन नहीं देखी मैंने, मतलब डर सा भी लग रहा है कि, और ये पूरा गांव ऐसा भाई कि गांव में लोग ही नहीं है। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन एक नया सफर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ समरकंद में, और समरकंद यहाँ की एक सबसे फेवरेट सिटी है तुम्हारे की, और हिस्टोरिकल एक तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर उज्बेकिस्तान में, और कुछ यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू आप देख सकते हो। और यहीं से पास में जो है एयरपोर्ट है, तो यानी हमारा जो रूम है ना वो एयरपोर्ट के पास में ही है। तो सीन ये है कि रात आ गया था मैं, और रात में कुछ व्यू अच्छा नहीं था इसलिए रूम दिखाया नहीं, बट मैं दिखा दूंगा। तो दोस्तों अभी का सीन ये है कि आज जो हम जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट दानियाल है उनकी जो है मज़ार देखने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ मैं एक्सप्लोर करूँगा कि यहाँ का जो है कुछ व्यू किस तरह का है। यहाँ की कुछ मार्केट आप ये देख सकते हो समरकंद की, तो व्यू बहुत शानदार है, और मौसम ऐसा है इस समय कि लगभग 12:15 बज चुके हैं, और मतलब हवा है, मौसम में हवा है, ठंडी ठंडी हवा है, तो इसलिए ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही है। तो यहाँ से जो लोकेशन है मात्र 3.5 किलोमीटर है, तो कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँ। और अभी इन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं है, तो देखता हूँ कि ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ना स्टोर है, तो आई थिंक यहाँ से कुछ ना कुछ मैं ले लेता हूँ लिक्विड वगैरह, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं भाई यहाँ से ना ये लेने वाला हूँ तुम्हारे की एप्पल वाला, ये मैं पी लूँगा ब्रेकफास्ट के। तो यहाँ पर स्टोर भी है, इतने बड़े बड़े होते हैं देखो, तो चलो इसका बिल कराता हूँ मैं। तो भाई मैंने ये लिया, ये मिला 8,500 रुपये का, यानी इंडिया के होगा 64 रुपये, सही है टेस्ट। यहाँ पर भाई ये लगता है कि यार सुमसान साथ चलते रहो अकेले अकेले, बिल्डिंग इतने ऊंची ऊंची, मतलब सब कुछ है, ऐसा लगता है कि क्राउड ही नहीं है। और देखो मौसम में तेज़ी है, बट ऐसा है तेज़ी होने के बाद ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी रह गई है, ये आप देखिए लोकेशन। तो देखो इतने करीब से आपने घर नहीं देखे होंगे, यहाँ के घर कुछ इस तरह के होते हैं देखो। और ये रास्ता ना पैदल मुझे एक गली से होकर लेके जा रहा है, ये मतलब कितनी सुनसान गली है, घर देखो सारे के पक्के पक्के, मतलब इतनी सी भी आपको नहीं मिलेगी, गंदगी नहीं मिलेगी, और लोग ही नहीं है। अब मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए आगे, वो दिखाता हूँ आपको। देखो हर घर के आगे पेड़ मिलेगा आपको, ये देखो देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इनसे मज़े लेता हूँ मैं। देखो कुछ घर यहाँ पर देखो, ये बहुत करीब से घर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मार्केट नहीं है बल्कि घर है। हेलो 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 हाय बच्चे देख के भी कच्चे कर रहे हैं हाय, मतलब 5-6 बच्चे खेल रहे थे, अब लैंग्वेज तो ना समझ में आएगी नहीं, लेकिन हंस रहे थे, अब वो सबके सब इधर को देख रहे हैं बच्चे। पर ना तुम्हें अंगूर की बेल बहुत मिलेगी, देखो बच्चे देखो पीछे पीछे आ रहे हैं बच्चे, वो हेलो देखो ये कर रहे हैं हेलो। ये रास्ता ना मुझे एक ऐसे मतलब गाँव में ऐसा होके ले आया, और देखो बच्चे पीछे पड़ गए, देखो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं दूर दूर से। भाई इससे ज़्यादा शांत लोकेशन नहीं देखी मैंने, मतलब डर सा भी लग रहा है कि मतलब घर इतने बड़े बड़े पर लोग बाहर नहीं है, तो घर के अंदर होंगे, लोग ही नहीं यार, मतलब एक दो इक्का दुक्का लोग मिलेंगे आपको। और अभी हम गाँव से बाहर निकलने वाले हैं, देखो ये होता है जब पैदल लोकेशन लगाते हैं ना, पैदल लोकेशन हमेशा आपको शॉर्ट रास्ते से निकालती है। तो देखो घर कुछ इस तरह के हैं, कच्चे घर भी हैं पक्के घर भी हैं, इस तरह के घर हैं यहाँ पे, घर इतने बड़े बड़े होते हैं लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन देखो एक रास्ता ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो लोकेशन हमें नीचे वाले रास्ते से लेकर जा रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, बट चलो चलते हैं। ओ तेरे की, देखो ये लोकेशन हमें कहाँ ले आई एक तरीके से जंगलों में ले आई, तो ये पहाड़ से देख सकते हैं छोटे छोटे, और गांव रह गया ऊपर। तो अभी जो हमें जाना है यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता रह गया है, इधर से होकर हम जाएंगे, ये लोकेशन आप देख सकते हो। देखो हमारे होटल से ना 3.5 किलोमीटर आप इजीली जो है टैक्सी से भी आ सकते थे, लेकिन पैदल आने का मतलब ये था कि यार थोड़ा एक्सप्लोर करना, थोड़ा एडवेंचर देखना कैसे कैसे रास्ते हैं, बट थोड़ा दोस्तों व्यू यहाँ का ऐसा है कि मज़ा आ गया। देखो यहाँ पर इस तरह, और ये पूरा गांव ऐसा भाई कि गांव में लोग ही नहीं है, और घर इतने बड़े बड़े, और पता डर सा भी लग रहा था, पीछे जो बच्चे फॉलो कर रहे थे ना, बच्चे दूर दूर तक भाग भाग के आने लगे, हेलो 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 हेलो, तो डर सा भी लग रहा था। खैर अभी 1 किलोमीटर रह गया तो पहुँच जाएंगे ईजिली। तो फाइनली दोस्तों हमारी लोकेशन आ चुकी है, और ये देखिए यहाँ से अब थोड़ा सुकून आया, ये यहाँ की मेन पार्किंग है, और यहाँ तो भाई अच्छा व्यू है, लोग भी काफ़ी आए हुए हैं, देखो टैक्सी वगैरह काफ़ी खड़ी हुई हैं, और यहाँ से हम जाने वाले हैं लोकेशन में। और एग्जैक्टली ये जो लोकेशन है एक तरह से पहाड़ों में है, तो आप देखो वो चारों तरफ से पहाड़ है घिरे हुए, और आगे हमें अभी चलना है, चलो
चलते हैं अभी आगे हम। तो यहाँ पे जियारत के कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि देखो यहाँ पर शोर नहीं करना, कुछ इस तरीके से करने हैं। तो ये पूरे यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर से बना दिया है। तो यहाँ तो भाई बेसमेंट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं चलो। और दोस्तों बताऊँ इस लोकेशन का एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पर ना मुस्लिम तो आते हैं, क्रिश्चियन यहूदी तीनों ही लोग आते हैं, और तीनों ही लोग इनको जो है अपने अपने रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी कि आपको तीनों वर्ग के लोग मिल जाएंगे। देखो नहर सी है, ये नहर गांव में भी जा रही है, देखो ये नहर है इधर, ये नहर सी है। और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं लोकेशन, हमें जो पहुँचना है वो ऊपर पहुँचना है चोटी पर। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये है प्रॉफिट दानियार, उधर उस लोकेशन पर हमें जाना है। यहाँ की पूरी लोकेशन दिखाई दे रही है आपको। और यहाँ पर नीचे जो है एक तरीके से थोड़ा सा पार्क बना दिया है, थोड़ा मॉडर्न कर दिया उसको। तो चलो अभी चलते हैं। ओ भाई यहाँ से ये सीढ़ी जा रही है ऊपर की, और हमें जाना है ऊपर ज़्यारत करने के लिए। यहाँ से टिकट ले लिया हमने, ये है 25,000 का, यहाँ के 25,000 का। यहाँ पर देखो नेचुरल वॉल है, ये नेचुरल कुआ है जो ज़मीन से पानी निकल रहा है। तो ये पानी थोड़ा ऐसा सॉल्टी है हल्का सा, तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग पानी पी रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और अभी हमें जो ऊपर जाना है, ये देखो यहाँ से लोग पानी भरते हैं, बोतल में पानी पीते हैं। तो देखो ये आता है नेचुरल वाटर, थोड़ा खारा है बट अच्छा पानी है। तो यहाँ से अभी जो है हम ऊपर चलने वाले हैं, यहाँ से टिकट लिया था हमने 25,000 का, चलो ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से अभी हम अंदर जा रहे हैं। और ये जो कब्र है ना, ये 18 मीटर लंबी कब्र है, जो प्रॉफिट हमारे जो नबी हैं दानियाल उनकी कब्र है। और यहाँ पर आपको क्रिश्चियन यहूदी सारे लोग मिलेंगे आपको, चलो अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर ना बहुत भीड़ होती है, देखो बहुत भीड़ हो रही है। और अभी जो है हम अंदर चलेंगे और अंदर से जो है हम वो जो है कब्र देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उनका मकाम, जो कि ये जो मज़ार देख रहे हो ना ये 18 मीटर की है। और ये देखिए कितनी बड़ी आप ये मज़ार देख रहे हैं। पहले इसके अंदर आप जा सकते थे, चारों तरफ से चक्कर लगा सकते थे, ज़ियारत कर सकते थे, लेकिन अब ये जो है केवल इसको कवर्ड कर दिया है और आप सिर्फ बाहर से ही देख सकते हो। और माशाल्लाह बहुत बड़ा ये जो है आप मज़ार देख रहे हैं इनकी। ये देखिए मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये कितनी बड़ी है, वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक होती है। तो ये है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। और यहाँ पर ना यहूदी भी आते हैं और ईसाई भी आते हैं, सारे ही वर्ग के लोग इनको जो है यहाँ पर मानते हैं हद से ज़्यादा। तो भाई ये है 18 मीटर लंबी माशाल्लाह ये मकाम कब्र है, जो अब तो खैर बंद कर दिया, यानी आप अंदर नहीं जा सकते। पहले ये था कि अंदर जाकर के आप जो चक्कर लगा सकते थे। ये खिड़की है, यहाँ से अभी देखो दिखाई देता है। और ये दरअसल चोटी पर है, एक पहाड़ी पर है, और यहाँ पर सारे वर्ग के लोग आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग थे जब मैं बोला था ना कि ये हमारे नबी है, ये हमारे प्रॉफिट है दानियाल, तो कुछ लोग कह लगे थे मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम इंडिया, बहुत खुश हुए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि यहाँ पर सारे वर्ग के लोग आते हैं, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो मुस्लिम हों। यहाँ पर ये आप पेड़ देख सकते हो, और यहाँ पर एक तरीके से ये जगह जो है ऐसी हो गई है कि यहाँ लोग दुआ करते हैं, बैठते हैं यहाँ पर, क्योंकि अंदर जो है ना बैठने का कोई सिस्टम है नहीं यहाँ पर। तो ये आप यहाँ का जगह देख सकते हो, अस्सलाम वालेकुम, जगह देख सकते हो। और ये पूरी पहाड़ों पर बनी हुई है, ये देखो ये पेड़ है, इस पेड़ का भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ही ज़रूर है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा जैसे कवर्ड कर रखा है, क्योंकि इम्पोर्टेंस ही इसलिए इस पेड़ को कवर कर रखा है। और देखो पीछे का रास्ता, ये डेंजरस एरिया है, यहाँ से जाना बना है, लेकिन यहाँ देखो पहाड़ों के बीच में यहाँ पर एक आप देखोगे दरवाज़ा भी लगा हुआ है और लोग भी लगा हुआ है। तो आई थिंक पहले लोग इसमें एंट्री ज़रूर करते होंगे, कुछ ना कुछ होगा यहाँ, कोई ना कोई रहता ज़रूर होगा। ये देखो फिलहाल तो ये बंद पड़ा है। ये देखो इस पेड़ के बारे में आपको बता दूँ, ये पेड़ जो है ना 650 साल पुराना है, और ये किसी ने लगाया नहीं था पेड़, ये बिल्कुल ये नेचुरल है, इसलिए इसको देखो पूरा कवर्ड कर दिया है चारों तरफ से, यहाँ पर बाउंड्री लगा दी है। ये देखो, और ये मेरिकल बोला जाता है, मेरिकल पेड़ बोला जाता है, 650 साल पुराना है ये, कि किसी ने वाला लगाया नहीं, ये नेचुरल है। और एक चीज़ हो रहा है, इसकी जो ब्रांचेस वगैरह है ना, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेड़ की ब्रांच वगैरह यहाँ पर जो है, देखो शाखाएँ जो है यहाँ से निकल रही हैं, देखो ये यहाँ से निकल रही है। तो 650 साल पुराना पेड़ अभी भी इतना हरा भरा आप यहाँ पर देख सकते हो। ये तो जगह ऐसी है, ऊपर जाकर ना इतना सुकून मिल रहा, नीचे थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से इस लोकेशन से जो है जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग दुआएं वगैरह कर रहे हैं, तो इस तरीके से कर रहे हैं।
और मैं अभी जाकर खाली हो गई, मैं यहाँ से प्रॉपर एक बार वहाँ आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर कुछ कुर्सी लगी हुई है। पहले एंट्री थी कि आप पूरा घूम कर जा सकते हो, लेकिन क्राउड इतना होता है, अब यहाँ पर एंट्री जो है बंद कर दी। ये देखो फिर भी एसी वगैरह लगी हुई है। 18 मीटर ये लंबी जो है आप देख रहे हो, ये मज़ार आप यहाँ पर जो है देख रहे हो। ये यहाँ पर बैठने का है। अभी मैं जो चल रहा हूँ बाहर से, मैं आपको जो है ये लोकेशन दिखा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं इधर क्या है इस साइड में। तो यहाँ के बाद यहाँ पर जो है ना, आई थिंक पीछे कब्रिस्तान है, लेकिन लोक लगा हुआ है, बट हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक देख सकते हैं। तो भाई काफ़ी ऊपर तक जाकर के है कब्रिस्तान जो है ना, ऊपर है देखो, क्योंकि देखो सीढ़ी वो वहाँ तक जा रही है ऊपर तक, बट यहाँ पर जो है लोक लगा हुआ है, तो यहाँ पर जाना जो है अलाउ है नहीं। ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको दिखाई थी हमारे प्रॉफिट दानियाल उनका मकाम, और ये कुछ जगह यार पता है, एक यहाँ पर आकर ना एक अलग सा सुकून सा मिल रहा है इस, मतलब एक तरह से ना यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि हम कल वो आधा पौन घंटा हो गया और यहीं पर हैं। स्पेशली बार बार जो दिमाग जा रहा है ना, वो इसी उस पर जा रहा है। ये काफ़ी पुराने भी है, ये इसी के अंदर पूरा मकाम बना रखा, पूरा कवर्ड कर रखा है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा है, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हमें सबसे ज़्यादातर मुस्लिम हैं। तो अभी जो हम जाएंगे, चलो नीचे चल रहे हैं। तो देखो ये सब, ये उज्बेकिस्तान से ताशकंद से, जब इन्हें पता चला ना आई एम मुस्लिम, तो ये बहुत खुश हुए, तो बोले यू आर मुस्लिम, मतलब जैसे आई एम मुस्लिम, सो वेरी हैप्पी, और इंडिया का नाम सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। आई एम सो हैप्पी ऑल्सो, यस। तो दोस्तों अभी मैं बाहर आ गया, बट जगह ऐसी आपका यहाँ मन लगेगा, बहुत टूरिस्ट आते हैं, और मतलब यहाँ के लोगों का एक चीज़ देखिए, जब आप इंडिया से आते हो ना, तो यहाँ पर आपको बहुत हाइप मिलती है, हर कोई इंसान आपका वेलकम करता है, हर कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है, हर कोई इंसान आपके साथ फ़ोटो खींचना चाहता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर जो है महसूस की है। तो फाइनली हमारी ज़ियारत माशाल्लाह कम्प्लीट हो गई है।